कोल्हापुर में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर आज महाविकास अघाड़ी का बंद कैंसिल हो चुका है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक बताया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसे रद्द करने का ऐलान किया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता विरोध जारी रखेंगे। उद्धव काली पट्टी लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे तो शरद पवार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। और बदलापुर में अपडेट क्या है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक बताया था। एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी, सरकार को घेरने की रणनीति तैयार थी, महाविकास अघाड़ी की मोर्चाबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून का हथौड़ा चला दिया। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर बुलाए गए बंद को असंवैधानिक बता दिया। महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी, बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है। ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख वो तारीख को हाजिर हो। महाविकास अघाड़ी के बुलाए बंद के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पहले कोर्ट ने सियासी खींचतान में दखल देने से इनकार किया, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने लोगों की परेशानी का हवाला दिया, जब याचिकाकर्ताओं ने करीब 20 साल पहले के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे बंद बुलाने के लिए 20 लाख का जुर्माना ठोका था, तब अदालत ने बंद को असंवैधानिक बताया था। अदालत के फैसले के बाद शरद पवार ने ट्वीट करके साथी पार्टियों को बंद कैंसिल करने की सलाह दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बदलापुर घटना के मद्देनजर 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक बताया है, लेकिन समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है। शरद पवार की अपील के बाद उद्धव ठाकरे सामने आए, बंद वापस लेने का ऐलान किया। कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन कल के कल इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा, अब तो समय नहीं रहा, इसलिए हमें तो मंजूर नहीं है, लेकिन उसका आदर करते हुए स्वीकारना तो पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी ने बंद वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विरोध होगा। शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ पुणे में सुबह के 10 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो उद्धव ठाकरे सुबह के 11 बजे काली पट्टी लगाकर धरने पर बैठेंगे। दूसरी ओर बीजेपी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है और महाविकास अघाड़ी पर बदलापुर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बदलापुर की घटना के बाद शायद महाविकास अघाड़ी को लग रहा था कि उन्हें सियासी मुद्दा मिल गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अदालत ने एमवीए की पार्टियों को नोटिस भी जारी किया है। अब अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। ऋत्विक भालेकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक।